इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे एलएसी पर हुई खूनी झड़प में घायल जवानों से मिले। आर्मी चीफ ने लेह के अस्पताल में जाकर इन जवानों से मुलाकात की और जवानों के हौसले की तारीफ की। इस मुलाकात की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे उन घायल सैनिकों से मिले जिन्होंने खूनी झड़प में जो घायल हो गए थे अस्पताल में भर्ती हैं। संवाददाता मनीष प्रसाद के पास चलते हैं, उनके पास और ज्यादा जानकारी है। मनीष बताएं। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे और साथ में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर वाईके जोशी और जो थ्री डिवीजन है त्रिशूल डिवीजन उसके जीओसी ये मिलिट्री हॉस्पिटल लेह में पहुंचे और यहां पर करीबन 50 की संख्या में जो भारतीय सेना के जवान हैं जो गलवान वैली में थे जिन्होंने चाइनीज पीएलए का डट के मुकाबला किया और उनको खदेड़ा। दरअसल वो इंजर्ड हो गए थे, ये सभी यहीं पर एडमिट हैं और इसीलिए जैसे ही लेह पर उनमें उतरे आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे सबसे पहले इन्हीं वीरों से मिलने के लिए बिहार साथ में पंजाब और मीडियम रेजिमेंट के जो जवान थे जो कि इंजर्ड हुए थे उनसे मिलने के लिए इस समय लेह के हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और अभी हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पे उन्होंने सभी जवानों से इंटरेक्ट किया, उनसे उनका हौसला बढ़ाया, मोटिवेशन लेवल जाना और सिचुएशन के बारे में भी जाना। इसके साथ साथ ये पूरी जानकारी के बाद अब 14 कोर में जाकर एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए।